सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द व्लॉग। एंड एक साल हो गया है कोई भी व्लॉग डाले हुए। एक साल से मैं कहाँ था, मैं प्रिपरेशन कर रहा था। अभी आपको दिख ही रहा होगा पीछे, स्ट्रक्चर से समझ ही आ जाता है, मुंबई एयरपोर्ट अलग ही दिखता है। सो मैं प्रिपेयर कर रहा था न्यूजीलैंड जाने के लिए। अगर आप देखोगे तो ये मेरा सामान। ऑलराइट गाइस, सो वी हैव क्लियर्ड द इमिग्रेशन, चेक इन वगैरह सब कुछ हो गया। एंड लिटरली मुझसे इमिग्रेशन में कुछ सवाल नहीं पूछा, मैंने बस वीज़ा दिखाया मेरा एंड पासपोर्ट दिखाया, बोर्डिंग पास दिखाया, एंड कुछ सवाल नहीं किया मुझसे, बस डायरेक्टली जाओ, ठीक है, हो गया। एंड अभी चलते हैं, ड्यूटी फ्री पे हैं, थोड़ा बहुत मुझे कुछ देखना भी है यहाँ से, उसके बाद निकलते हैं अपन लाइक गेट की तरफ। गेट नंबर अपना 46 है। एंड एयरक्राफ्ट अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा मैं, एयरक्राफ्ट आपको वहाँ चल के ही पता चलेगा। वैसे अगर मैं एयरक्राफ्ट बोल रहा हूँ पहले से, तो आपको शायद से अंदाज़ा लग चुका होगा कि कौन सा एयरक्राफ्ट है। सो लेट्स गो टू द बोर्डिंग गेट। सो गाइस, दिस इज़ द टाइम, वी हैव अ बोर्डिंग पास एंड बोर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है। चलते हैं, एयरक्राफ्ट बोर्ड करते हैं। ओके, सो दिस इज़ माई सीट, जस्ट प्रीमियम इकोनॉमी में पहली वाली सीट है मेरी, 31। एंड यू गेट द लाइट वन हियर, यहाँ पर आपको चार्जिंग का मिल जाता है, इधर हेडफोन के लिए है, एंड ये आपका नीचे भी चार्जिंग के लिए मिल जाता है, एंड काफ़ी अच्छा लेग रूम है। और सो अभी बात करते हैं, मैंने आपको बताया नहीं था कि एयरक्राफ्ट कौन सा है, सो मैं बता दूँ, वी आर ट्रैवलिंग इन द जायंट A380। एंड जस्ट इतना सारा लेग रूम है भाई। और ये रहा सामने इनफ्लाइट एंटरटेनमेंट, एंड अभी टेक ऑफ होता है तो टेक ऑफ पे मैं आपको बाहर के व्यू दिखाता हूँ। एंड मैन, दिस एयरक्राफ्ट इज सो गुड, दिस इज माय फर्स्ट टाइम इन द A380, एंड यहाँ से बिजनेस क्लास का है। सो चलते हैं, देखते हैं आगे कैसा क्या रहता है A380 का एक्सपीरियंस। लेट्स गो विद सिंगापुर एयरलाइंस, लेट्स गो। सो फाइनली वी आर टेकिंग ऑफ फ्रॉम मुंबई एयरपोर्ट। बाय बाय मुंबई, बाय बाय इंडिया, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। सो मैं अभी तक आपको सही से बता ही नहीं पाया था, फ्लाइट में बैठा एंड देन उसके बाद बाकी सब से बात कर रहा था, फैमिली वगैरह से, एंड देन उसके बाद टेक ऑफ हो गया। सो अब अपन आराम से बात करते हैं। सो लाइक मैं आपको कैमरा फ्लिप करके दिखाता हूँ अभी। सो वी हैव गॉट दिस हेडफोन्स, जो कि नॉइज़ कैंसिलेशन हेडफोन्स हैं, एंड वी हैव द स्क्रीन, अभी स्लीप मोड में है स्क्रीन, देन वी हैव दिस पिलो जो कि काफ़ी सॉफ्ट सा है, एंड एक ब्लैंकेट भी दिया है जो कि मैंने साइड में रख दिया।
एंड देखते हैं अभी थोड़ी देर में मील वील सर्व होगा तो ऐसा क्या रहता है, आपको ट्रे टेबल वगैरह भी बताएंगे। स्टेडियम काफ़ी मज़ा आने वाला है इस ब्लॉग में। सो गाइस वी हैव गॉट आवर मील एंड पनीर बिरयानी है विद दाल मखनी देख सकते हो, एंड उसके साथ ये दही है शायद से, दही है या रायता है मुझे पता नहीं, दही है पापड़ दिया है, एक दही का पापड़ है, उसके साथ एक क्रीमर है, एक लाइक अचार है, कुछ स्वीट है एंड स्पॉन्च हो गए, उसके साथ एक बन है और एक पानी की बन जैसे ऊपर रोल भी। चलो मील कंप्लीट करते हैं। सो हे गाइस वेरी गुड मॉर्निंग फ्रॉम सिंगापुर। अभी लैंड नहीं हुआ है, थोड़ी देर में लैंड होने वाला है, लाइक इन 15 to 20 minutes वी विल बी लैंडिंग इन सिंगापुर। देन थोड़े बहुत प्रोसीजर्स वगैरह करके, मतलब प्रोसीजर्स तो कुछ नहीं है, आगे जाते हैं थोड़ा सा एंड वाईफाई कनेक्ट करते हैं एयरपोर्ट का, देन उसके बाद आपको अच्छे अच्छे सीन्स दिखाते हैं। ऑलराइट गाइस सो फाइनली वी हैव रीच सिंगापुर चांगी एयरपोर्ट एंड मतलब पहुँच तो बहुत पहले गए थे बट फ्रेशन अप हुआ, दैन मैं नहाया करा, उसके बाद थोड़ा बहुत रिलैक्स किया, थोड़ा सोया, फिर अभी ऐसे ही थोड़ा सा घूमने निकले थे तो मैं आपको दिखा दूँ जो आज की हमारी राइड थी फ्रॉम मुंबई टू सिंगापुर, ये देखो। So if you can see the giant Airbus A380, this was our ride from Mumbai to Singapore. और बहुत ज़्यादा नींद आ रही है यार, मतलब कि मैं जहाज़ में भी सोता हुआ आया, यहाँ पे भी थोड़ा बहुत सो लिया था, फिर भी नींद नहीं जा रही मेरी। तो अभी देखते हैं क्या करना है क्या नहीं करना है। ये मेरा लगेज तो इधर ही है, बाकी वो लगेज, मेन लगेज जो मेरा है जो चेक इन किया था, वो मुझे डायरेक्टली न्यूजीलैंड में मिलेगा क्राइस्टचर्च में, सो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। अभी टाइम हो रहा है अराउंड, अरे आपको यहाँ दिख नहीं रहा, या सो अभी टाइम हो रहा है 11:20 के आसपास एंड फ्लाइट हमारी है 7:50 के अराउंड, सो काफ़ी ज़्यादा टाइम है किल करने के लिए। और इस टाइम में हम क्या करेंगे यही फिगर आउट करना है मेन।
सो गाइस अभी द टाइम इज़ 5:30 के आसपास और 5:30 सिंगापुर के और फ्लाइट को बोर्डिंग हमारी फ़्लाइट बोर्डिंग में अराउंड एक घंटा ही बचा है. सो मैं गेट वगैरह देखने आया था, गेट B1 है एंड अभी लाइक मतलब पूरे दिन भर ज़्यादा कुछ नहीं किया 12 घंटे के लेओवर में. सिंपली मेरे को तो बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं सोता ही रहा बस. पता है बड़ा सा सिली सा वो है कि बहुत ज़्यादा नींद आ रही सोता ही रहा. या रियली मेरे को बहुत नींद आ रही थी पता नहीं क्यों, जबकि मैं फ़्लाइट में भी सोया था फिर भी 5-6 घंटे के आसपास मैं सो ही लिया. एंड अभी अगर मैं आपको बताऊँ तो सुबह से लाइक मेरी ज़िंदगी कट रही है चॉकलेट और प्रोटीन बार पे. क्यों, उसका भी एक रीज़न है कि लाइक इधर वेज तो है नहीं कुछ सिंगापुर में और नॉन वेज जो है सो लाइक वो नॉन वेज भी ऐसा है कि पता नहीं उसके चिकन में से क्यों बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है. सो मैंने तो खोलते ही बंद कर दिया, बोले मेरी इच्छा ही नहीं हुई खाने की. सो लाइक अभी मैं तो इधर आ गया था बाहर शूट करने एंड एक मैंने मतलब 2 ऑरेंज जूस मंगाए हैं. अगली फ्लाइट अपनी बोर्डिंग चालू होने वाली है उसके लिए भी सेम. तो जो ऑरेंज जूस की मैं बात कर रहा था आ गए मेरे पास मैरीगोल्ड. ऑरेंज जूस कब से बनाने लगा, ये तो बिस्किट बनाता था ना. कुछ भी चल रहा है. सो गाइस फ्लाइट नंबर 2 सिंगापुर टू क्राइस्टचर्च बोर्डिंग कर लिए, आके बैठ गए फ्लाइट पे. एंड भाई एक चीज़ है, ये बाहर देखो आप, विंग की वजह से पूरा व्यू ब्लॉक हो चुका है. सो थोड़ा बहुत मैनेज करना पड़ेगा बट हाँ इंजन्स भी यही है तो मज़ा आने वाला है. एंड जस्ट 10 मोर आवर्स टू गो, उसके बाद क्राइस्टचर्च लैंड करेंगे, फिर वहाँ से भी बस लेके जाना है उमारू एंड देन चलो चलते हैं एंड आगे आपको दिखाते हैं कैसी क्या फ्लाइट रहती है कैसी नहीं रहती है. सो आई होप मेरी आवाज़ आ रही होगी. वी आर जस्ट अबाउट टू लैंड इन क्राइस्टचर्च और वो पीछे फ्लैप्स भी रिट्रैक्ट हो गए. सो वी आर जस्ट अबाउट टू लैंड इन क्राइस्टचर्च और आगे देखते हैं कैसा क्या रहता है, कस्टम्स वगैरह ये वो जो भी है. चलो लैंड करते हैं. केबिन क्रू टू योर लैंडिंग स्टेशंस. सो फाइनली हम लोग एयरपोर्ट से निकल चुके हैं एंड अभी टाइम हो रहा है 2:15. बस स्टॉप पे आ गए एयरपोर्ट से निकल के, 2:15 टाइम हो रहा है, बस का टाइम है 2:50 का उमारू के लिए बस है जो. एंड लाइक हवा बहुत चल रही है तो आपको थोड़ी बहुत आवाज़ आ रही होगी, उसको इग्नोर करना, मेरी आवाज़ सुनना बस. ये रहा पीछे सारा सामान और बस अभी देखते हैं, बस का वेट करते हैं कब तक आती है कब तक नहीं आती है. 2:50 वैसे तो दे रखा है टाइमिंग. तो चलो दिखाते हैं आपको आगे की जर्नी कैसा क्या रहता है कैसा नहीं रहता है. लेट्स गो.
क्राइस्टचर्च से निकल के बस में बैठ के उमारू आए, एंड देन उमारू आके हम लोग पहुंच चुके हैं अपने हॉस्टल रूम में। सो भाई काफ़ी टायरिंग जर्नी लगी मुझे, मैं अभी तक बहुत नींद आ रही है मुझे। एंड अभी आपको मैं रूम टूर देता हूँ, कैसा रूम है क्या है। तो देखो, तो कुछ ऐसा टाइप का सा रूम है, ये बेड है विथ हीटिंग बेड है ये, लाइक अगर आप इसमें कनेक्ट करके चालू करोगे तो थोड़ी देर बाद हीट हो जाएगा ये पूरा ऐसा। एंड हीटर दिया हुआ है। ये मेन एंट्रेंस है, इधर वॉशरूम है। थोड़ा सा मेसी हो रहा है अभी रूम। ये पूरा मेरा लगेज था, एंड नीचे भी पूरा कारपेट बिछा हुआ है। सो यहाँ पे एक शेल्फ दिया हुआ है। ऑल्सो ये पूरी विंडो है, यहाँ से ये पूरा बाहर का व्यू अगर आप देखोगे। सो ये भी हॉस्टल की बिल्डिंग है, ये कनेक्टेड है इस बिल्डिंग से। एंड अगर आप देखोगे पूरा, सो काफ़ी सही व्यू है। इट्स डन, चलते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में। बहुत टाइम बाद व्लॉग आया, ऑलमोस्ट एक साल बाद। सो वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना, एंड डू हिट द सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में, और अब तक बहुत अच्छे अच्छे व्लॉग्स आने वाले हैं ऑब्वियसली। सो मिलते हैं फिर किसी अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।